हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपीटर एंड प्राइवेट एग्ज़ाम के बारे में। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो बच्चे डायरेक्ट टेंथ या ट्वेल्थ देना चाहते हैं वो बच्चे कौन सी एग्ज़ाम दें, रिपीटर या प्राइवेट। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो टेंथ या ट्वेल्थ फेल हो गए हैं किसी न किसी सब्जेक्ट में, फिर उसके बाद उन्हें एग्ज़ाम देनी होती है तो वो कहते हैं मुझे प्राइवेट एग्ज़ाम देना है, तो कौन सा फॉर्म भरा जाए कॉलेज में या स्कूल में। ये जो कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स का वो इस वीडियो में दूर होगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टूडेंट्स जो टेंथ और ट्वेल्थ महाराष्ट्र बोर्ड है यानी SSC एंड HSC, उसके लिए जो दो टाइप की एग्जाम ली जाती है, एक तो रिपीटर एग्जाम और एक प्राइवेट एग्जाम। इसको छोड़ के जो रेगुलरली स्कूल या कॉलेज बच्चे जाते हैं उनकी जो एग्जाम्स होती है उन्हें रेगुलर एग्जाम कहा जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम रेगुलर एग्ज़ाम यानी जो रेगुलरली रोज़ स्कूल या कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं वो जो टेंथ और ट्वेल्थ की एग्ज़ाम देते हैं उनकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उन बच्चों की जो कॉलेज या स्कूल नहीं जाते, घर बैठे एग्ज़ाम देते हैं, जिन्हें कि सब प्राइवेट एग्ज़ाम कहते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम है ये दो तरीके के होते हैं, एक तो रिपीटर एग्ज़ाम और एक प्राइवेट एग्ज़ाम। रिपीटर एग्ज़ाम उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो स्टूडेंट टेंथ या तो ट्वेल्थ फेल हो चुके हैं, यानी उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट किया था लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट में वो सारे सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए, तो ऐसे बच्चों को हम रिपीटर स्टूडेंट कहते हैं और उन्हें रिपीटर फॉर्म भरना पड़ता है। तो प्राइवेट एग्ज़ाम कौन सी होती है, प्राइवेट एग्ज़ाम के लिए फॉर्म नंबर 17 भरना होता है जो टेंथ और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के लिए होता है यानी SSC एंड HSC के लिए। ये जो फॉर्म नंबर 17 यानी प्राइवेट एग्ज़ाम कौन दे सकता है, ये फॉर्म 17 कौन भर सकता है, तो ऐसे सारे स्टूडेंट जिन्होंने कभी टेंथ या ट्वेल्थ अपीयर नहीं किया हो वो लोग ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। फॉर्म नंबर 17 यानी प्राइवेट टेंथ या प्राइवेट ट्वेल्थ देने के लिए क्राइटेरिया क्या है, तो जिसे भी प्राइवेट टेंथ देना है उसके लिए जो बेसिक क्राइटेरिया है वो ये है प्राइवेट टेंथ के लिए कि उसने कम से कम फिफ्थ स्टैंडर्ड या उसके ऊपर की पढ़ाई की हो या छोड़ दिया हो, यानी कोई बच्चा नाइन्थ फेल है या नाइन्थ पास है या उसके बीच में फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट पास है या फेल है और उसने उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी हो, ये पहली शर्त है। उसके पास LC होनी चाहिए और करंट ईयर में 30 जून के पहले उसने स्कूल छोड़ दिया होना चाहिए, यानी उसके पास लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये हो गया पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर फॉर्म नंबर 17 या प्राइवेट अपीयर करना है तो जो स्टूडेंट है उसको करंट ईयर में 14 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, यानी उसकी जो उम्र है 14 साल होनी चाहिए। तो ये जो बेसिक क्राइटेरिया है प्राइवेट टेंथ देने के लिए, इसके लिए करना क्या पड़ता है, तो पिछले साल तक इसके लिए बहुत सारे सेंटर होते थे पूरे महाराष्ट्र के हर इलाके में, ये सारे स्कूल में फॉर्म अवेलेबल नहीं होता था, हर एक एरिया में एक स्कूल जो है सेंटर कॉन्टेक्ट सेंटर इस तरह से अलॉट हुआ रहता है, उस सेंटर पर जाके हमें फॉर्म भरना पड़ता था और वहाँ से हमारा होता था। बट इस साल से जो वेबसाइट रिलीज हुई है महाराष्ट्र बोर्ड के जरिए और जो टेंथ और प्राइवेट डायरेक्ट देना चाहते हैं यानी फॉर्म नंबर 17 भरकर जिन्होंने कभी टेंथ या ट्वेल्थ नहीं दिया है, वो बच्चे जो है ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे वेबसाइट पर। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जो बेसिक फीस होती है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की 1000 रुपीज़ के अप्रॉक्स, वो ऑनलाइन तरीके से भर रहे हैं। उसके बाद जो सेंटर्स होते हैं कॉन्टेक्ट सेंटर, उन्हें वो ऑनलाइन सेलेक्ट करते हैं, फिर बोर्ड की तरफ से उन्हें कॉन्टेक्ट सेंटर अलॉट होता है। टेंथ का जो मैंने बेसिक क्राइटेरिया बताया, वैसे ट्वेल्थ का बेसिक क्राइटेरिया ये है कि जो स्टूडेंट है वो टेंथ पास होना चाहिए और टेंथ पास होने के बाद कम से कम एक साल का गैप होना चाहिए, उसके बाद ही वो ट्वेल्थ प्राइवेट फॉर्म नंबर 17 अपीयर कर सकते हैं। याद रखो फॉर्म नंबर 17 प्राइवेट जिसने ट्वेल्थ कभी नहीं दिया हो वही ट्वेल्थ देगा इस फॉर्म को भर के। तो चलो रिपीटर की बात करते हैं, रिपीटर एग्ज़ाम कौन देगा, जैसे मैंने पहले अभी बताया आपको कि जो टेंथ या ट्वेल्थ रेगुलर कर रहा था बट एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो चुका है या तो ऑल सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ है, ऐसे बच्चे जब एक बार टेंथ या ट्वेल्थ अपीयर कर लेते हैं तो फिर से वो रेगुलर या प्राइवेट टेंथ या ट्वेल्थ नहीं दे सकते, उन्हें रिपीटर एग्ज़ाम देना पड़ता है। उन्हें क्या करना है, वो जितने सब्जेक्ट में फेल हैं उतने ही सब्जेक्ट का वो एग्ज़ाम दे सकते हैं या तो सभी सब्जेक्ट लेके वो वापस एग्ज़ाम दे सकते हैं, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम इसे हम कहेंगे। अब इस एग्ज़ाम का फॉर्म कैसे भरना होगा, इस एग्ज़ाम यानी रिपीटर एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए स्टूडेंट जिस स्कूल में था या जिस कॉलेज में था उस स्कूल या कॉलेज के ऑफिस में जाना है, वहाँ के क्लर्क से मिलना है या तो रेस्पेक्टेड टीचर से मिलना है, वहाँ पर रेस्पेक्टिव टीचर जो भी होंगे उनसे मिलके उनको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करने हैं। आपका जनरली LC का जेरोक्स होता है,
मार्कशीट जो होगा उसका जेरोक्स होगा, आपका पासपोर्ट साइज फोटो होता है, और जो भी अमाउंट वो डिमांड करेंगे वो आपको वहाँ देना है, और उसके बाद वो लोग स्कूल के लॉगिन आईडी पासवर्ड से आपका जो फॉर्म सबमिट करते हैं। तो अब ये रिपीटर एग्ज़ाम जो है ये दो बार होती है। पहले जो ये एग्ज़ाम है मार्च के साथ अक्टूबर में होती थी, बट पिछले कुछ सालों से ये जो अक्टूबर वाली एग्ज़ाम है वो बंद कर दी गई है, अब ये एग्ज़ाम जुलाई में ही होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो मार्च में अपीयर होते हैं 10th और 12th रेगुलर, उनका रिजल्ट जून में आ जाता है। अब उनका साल न बिगड़े, क्योंकि पहले अगर अक्टूबर में बच्चे एग्ज़ाम देते थे तो दिसंबर तक रिजल्ट आता था, तो उन्हें 6 महीने वेट करके अगले साल एडमिशन लेना पड़ता था। अब ये जो जुलाई में एग्ज़ाम हो रही है उसका फ़ायदा ये है कि जून में जब रिजल्ट आ जाता है तो जो बच्चे फेल हैं वो तुरंत रिपीटर फॉर्म भरते हैं जुलाई एग्ज़ाम के लिए, और जुलाई में अपीयर होते हैं। अगर वो जुलाई के एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो उन्हें मौका मिलता है उसी साल, अगर 10th में पास हुए तो 11th में एडमिशन लेने का, और अगर 12th में पास हुए तो आगे डिग्री में एडमिशन लेने का। तो ये जो रिपीटर एग्ज़ाम है ये साल में दो बार होती है, जुलाई और मार्च में। मार्च में जो फेल हो जाते हैं वो जुलाई में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसका फॉर्म जून में रिजल्ट आने के बाद तुरंत भरना होता है, और फिर अगर जुलाई में कोई फेल हो गया तो वो वापस से अगले साल मार्च में एग्ज़ाम दे सकता है। उसके लिए अक्टूबर नवंबर के महीने में अपने स्कूल या कॉलेज के ऑफिस में जाके फिर से अप्लाई करना होता है, बोर्ड की तरफ से डेट्स आती है फॉर्म फिलिंग की, और अपने स्कूल या कॉलेज के ऑफिस में जाके आप लोग फॉर्म भरेंगे मार्च के लिए, और मार्च में आप दे सकते हैं। तो इस तरह से ये रिपीटर एग्ज़ाम होती है जो एक बार 10th या 12th फेल हो चुका है उनके लिए, और जो लोग कभी 10th या 12th अपीयर नहीं हुए और वो होना चाहते हैं तो उन्हें फॉर्म नंबर 17 भर के प्राइवेट देना पड़ता है। ये पूरी डिटेल हुई रिपीटर एग्ज़ाम और प्राइवेट एग्ज़ाम SSC NHSC यानी 10th और 12th महाराष्ट्र बोर्ड के बारे में। तो ऐसी ही और जानकारी पाते रहने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में।